नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2024। जो भी कैंडिडेट इस साल 12th पास किए हैं, जो भी फीमेल कैंडिडेट है, ये फॉर्म सिर्फ उन्हीं के लिए है, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन होंगे चाहे वो सेकेंड डिवीजन होंगे। ये दोनों डिवीजन में कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसमें आपको जो 25,000 की प्रोत्साहन राशि मिलती है, इसमें जो भी कैंडिडेट भरते हैं, चाहे वो जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ये सब कैंडिडेट उसमें फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे इस फॉर्म को हम भरेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल बनना है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इस प्रकार का जो वीडियो है, मैं आपको हमेशा आगे सबसे पहले बताने का पूरा प्रयास करूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको इस वेबसाइट का नाम मैं बता दूं। इस वेबसाइट का नाम है medhasoft.bihar.nic.in। इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है और यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ ना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका माध्यमिक प्लस टू प्रोत्साहन योजना, आपको इस वाले लिंक पे आना है। और यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक है अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2024, इस लिंक को ओपन कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस लिंक को ओपन करेंगे ना, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, इस प्रकार का इंटरफेस खुलने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, सीधे सीधे स्टूडेंट क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपको इसमें जो आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, इस सब के बारे में पूछा जाएगा। मगर उससे पहले आपको एक कुछ गाइडलाइन दिया जाएगा। ये गाइडलाइन आप अच्छी से एक बार पढ़ लीजिएगा कि इस गाइडलाइन में है क्या। वैसे मैं आपको शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि आपने जो भी डाटा, जो भी डॉक्यूमेंट इसमें देना है, वो सब आपका सही होना चाहिए। अगर कुछ आप गलती करते हैं या गलती देते हैं, तो इसमें आपका जो जवाबदेही है वो आपके ऊपर आएगा। इस प्रकार से ऐसा घोषणा इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को तो आगे बढ़ी गई है, तो कंटिन्यू कर लेते हैं इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप पढ़ के। ठीक है, इसके बाद यहाँ बढ़ने के बाद सबसे पहला लिंक, सबसे पहला ऑप्शन, यहाँ पे क्या करना, डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, मतलब आपने कहाँ से पढ़ा है या 12th पास किया। ठीक है, तो मैंने दरभंगा से किया, तो मैं दरभंगा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, चलिए, इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, जो कि आपको एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, आपके मार्कशीट पे भी आ जाएगा, क्योंकि अभी तो मार्कशीट आया नहीं होगा, तो आप एडमिट कार्ड में इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर R-R- आपका नंबर 5120 इस टाइप से, फिर डैश, फिर 24, इस टाइप से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। इसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं उनका नाम, इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट के फादर का नाम, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया वही नाम डालेगा दोस्तों, गलत वर्ड मत डालेगा, नहीं तो क्या होगा, वो बैक हो जाएगा या कहीं आगे जाके फंस सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो जो एडमिट कार्ड पे वही डालिएगा। ठीक है, इसके बाद मदर्स नेम आपको डालना है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। देखिए दोस्त, मदर नेम भी क्या, जो आपके एडमिट कार्ड पे वही डालेगा, गलत वर्ड मत डालेगा, जो है उस पर वही डालिएगा। ओके, चलिए, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। इसके बाद आपको टोटल मार्क्स कितना का था, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको ऑप्टेन मार्क्स कितना आया, यहाँ पे पूछ रहा है कि टोटल मार्क्स में आपको ऑप्टेन कितना आया, तो मुझे टॉप मान के चले, मुझे 300 आया। ठीक है, ऑप्टेन मार्क्स में मैं 300 लिख दिया। ओके, इसके बाद यहाँ पे पूछता है कि मैरिड है अनमैरिड है, तो आपको ये भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर मैरिड है तो यस, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद आपको क्या डालना है, यहाँ पे रोल नंबर आपको डालना है, इसके बाद 12th का रोल नंबर आपको डालना है इसमें, इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर। दोस्तों एक बात और ध्यान सुन लीजिएगा, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप फटाफट मेरा बात सुनिए और आगे बढ़ गए, स्किप कर लिए, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, थोड़ा टाइम लगेगा मगर अच्छे से सुन के इस वीडियो को समझिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि आप जो आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, आप आधार कार्ड का नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे दोस्तों, तो जो आपके एडमिट कार्ड पे डाला हुआ है वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, वही नाम होना चाहिए। अगर दोस्तों इस समय कुछ भी गलती है आपका, तो आप इस फॉर्म को पहले मत भरे, पहले आप अपना आधार कार्ड को सही करवा ले, तभी जाके इस फॉर्म को भरे, नहीं तो आप तो फॉर्म भर लीजिएगा दोस्तों, मगर ये आगे जाके फंस जाएगा, क्योंकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आधार से मैच नहीं करेगा, जो मार्कशीट है उससे मैच नहीं करेगा, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच करके ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। तो ये एक गलती या भूल की भी मत कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे आधार नंबर का जो हम आप लोग को बोला गया वो नेम एज पर आधार वो डाल देना है। इसके बाद फीमेल ऑलरेडी सेलेक्ट मिलेगा आपको, क्योंकि ये फीमेल का फॉर्म है। इसके बाद आपका जो आधार नंबर है वो आपको इसमें डालना है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें डालना है, जो सही वाला। ठीक है, ये डालने के बाद इस पर क्या करना है, वेरीफाई आधार नंबर,
जैसे ही वेरीफाई कर लेंगे ना दोस्तों, ये पूरा ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया कि एक मोबाइल नंबर आपको देना होगा जो अभी आपके पास है। क्यों मोबाइल नंबर देना था दोस्तों, कि आप जो फॉर्म भर लेंगे तो इसका एक आईडी पासवर्ड आएगा, वो आईडी पासवर्ड से ही इसको लॉगिन करना पड़ेगा। आपका ही नंबर इस पर डालेगा ताकि आपको आसान रहे, और ऐसा नंबर डालेगा कि आपका नंबर चालू रहे। ऐसा नहीं कि आप नंबर डाल दिए, कुछ दिन बाद वो नंबर बंद हो गया तो क्या होगा, आपका पैसा फंस जाएगा, क्योंकि इसके बाद इसको सबमिट करने का कोई उपाय ही नहीं बचेगा, नंबर नहीं होगा तो, ठीक है। तो नंबर ऐसा डालिएगा जो नंबर आपका एक्टिव रहे, चालू रहे, ठीक है। इसके बाद एक ईमेल आईडी भी यहाँ पे बोला जा रहा है, आपका जो ईमेल आईडी है वो भी इसमें डालना, ऐसा ईमेल डालना आपको जो एकदम एक्टिव रहे, हमेशा चालू रहे। ये सब कुछ डालने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, इस पर प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही प्रीव्यू क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपने जो अपना नाम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कितना मतलब आपको ऑप्टेन मार्क आया, ये सब चीज आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देगा कि ये सब आपने भरा है, ये सब सही है कि नहीं। अगर सही है तो सबमिट कर दीजिएगा, क्लियर। अगर गलती है तो आपको क्या करें, मॉडिफाई या एडिट का ऑप्शन देगा, मतलब बैक करके इसको जो गलती आपने भर दिया जल्दी जल्दी में उसको सही कर लीजिए। गलती को सही करने के बाद जो भी गलती है, गलती सही कर लीजिए, इसके बाद इसको फाइनल सबमिट कर दीजिए। जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे दोस्तों, तो दो दिन, चार दिन, पांच दिन या हफ्ते भर में इसका एक आईडी पासवर्ड जनरेट होकर आपके मोबाइल पे आ जाएगा, जो भी मोबाइल नंबर आपने दे रखा है। इससे क्या होगा दोस्तों कि नंबर एक्टिव रहेगा, तो जैसे आईडी पासवर्ड आएगा तो सेकेंड स्टेप आपको सबमिट भी करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप जब आएगा, जब आईडी पासवर्ड आपका आ जाएगा ना, तो उसको रखना है। फिर जब आपको आईडी पासवर्ड आ जाएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन देता है, देखिए ध्यान से, यहाँ देगा स्टूडेंट, इस पर क्लिक करेगा। अभी क्या रजिस्ट्रेशन है ना, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट, मगर कुछ दिन बाद जब आपका आईडी पासवर्ड आना चालू देगा तो यहाँ देगा स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है। तो स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करिएगा, अपना आईडी पासवर्ड जो आया है वो डालिएगा, तो आपको कुछ जरूरी चीज पूछा जाएगा, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, आपका मम्मी का नाम पूछा जाएगा, आपके मदर नेम, आप कौन डिस्ट्रिक्ट से पास किए हैं और कितना मार्क्स है, क्या रोल नंबर आपका, वो कुछ जरूरी डिटेल मांगा जाएगा। हाँ, उसके बाद बैंक से अप्रूवल हुआ कि नहीं वो भी अप्रूवल मांगे जाएगा, तो आप अप्रूवल कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिए। जैसे सबमिट करेंगे दोस्तों, उसके बाद 20 दिन 25 दिन या सरकार द्वारा जब घोषणा कर जाएगा कि पेमेंट छोड़ा जाए, तो आपके अकाउंट में पैसा डन हो जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग जब भी ये फॉर्म भरिएगा ना, तो क्या कीजिएगा, डीबीटी जरूर करवा लीजिएगा। मतलब आज आपने फॉर्म भर लिया तो फॉर्म भरने के एक दिन बाद या दो दिन बाद आप बैंक जाके बैंक से डीबीटी करवा लीजिए। डीबीटी का मतलब होता है दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब जो आपने फॉर्म भरा, इसमें आप गौर कीजिएगा, इसमें अकाउंट नंबर कहीं नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि आपका आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है, ठीक है, आपके आधार कार्ड से जो बैंक लिंक है, आपको उसी पे मैसेज आएगा, आपका उसी पे पैसा आएगा। तो क्या करना, आपको आधार से बैंक को लिंक करना होगा, डीबीटी करना होगा, अन्यथा आपका पैसा नहीं आएगा। तो फॉर्म भरते ही आप क्या करें, नेक्स्ट डे आधार कार्ड से बैंक को डीबीटी करवा दे, सीडेट करवा दे बैंक जाके, ताकि क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा और आपका पैसा एकदम आसानी से, आराम से आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको इस प्रकार का वीडियो बना के बता सकूं। और कहीं भी आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर इसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू दोस्तों।